वापस एक बार अपने पास से ये आईजेडआई की तरफ से आईजेडआई फ्लाइट ड्रोन, जो कि एक खतरनाक सा ड्रोन है एंड मेड इन इंडिया ड्रोन है। इस वाले ड्रोन में एक्चुअली काफ़ी सारे ही फीचर्स है, बक्से को देख के ये प्रीमियम लग रहा है। काफ़ी सारे मोड्स वगैरह यहाँ पे मेंशन किए, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हूँ इसको ट्राई आउट करने के लिए। ओ भाई साहब, ये एकदम स्टाइलिश सा बैकपैक है इसके साथ, वाओ। इसको अच्छे से कैरी भी कर सकते हैं और आराम से अभी ये बैग को खोल के देखते हैं। गाइस, इसके अंदर अपने को डायरेक्टली ड्रोन दिख जाता है एंड साइड से थर्मोकोल वगैरह है, तो इसलिए यार ये ड्रोन इसमें मतलब डैमेज नहीं होगा, कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं हम लोग। पहले नीचे वाले कंपार्टमेंट में देखते हैं, एक्चुअल वाला ड्रोन अपने को देखने को मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा हल्का है, अभी इसमें बैटरी नहीं डली है। साइड पे इसके ये कंट्रोलर मुझे दिख रहा है, ये काफ़ी छोटा सा है, स्टाइलिश सा है, इसके एंटीनास तक है। भाई मैं बोलूँ, ये कंट्रोलर में हम लोग फ़ोन कहाँ पे रखेंगे? ऐसे फ़ोन रखने के लिए यहाँ पे जगह है। देन साथ में ये आता है अपना माइक्रो यूएसबी वाला केबल, एक स्ट्रैप ही दिया गया है जो ये बैग को लग सकता है। यहाँ पे लगा के इस बैग को ऐसे कैरी भी कर सकते हो आप साइड से। नेक्स्ट यहाँ पे ये एक बैटरी मुझे देखने को मिल रही है, काफ़ी तगड़ी और भारी सी बैटरी है। एक और बैटरी, दो दो बैटरीज आई है इसके साथ। साथ में इसके अंदर एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स भी है, यानी कि मतलब कभी डैमेज हो जाते हैं तब। इसके अंदर गाइस तीन टाइप के केबल आते हैं, एक आईफोन के लिए कनेक्ट करने के लिए लाइटनिंग वाला केबल, देन माइक्रो यूएसबी वाला एंड टाइप सी वाला यार केबल भी आ जाता है। मतलब किसी भी फोन के साथ आप इसको आराम से कनेक्ट कर सकते हो। नीचे यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखी है, मुझे लगा ये क्या चीज़ है, तो ये एक्चुअली एक चार्जर है। लाइक ये जो अपनी बैटरी होती है इसको आराम से हम लोग चार्ज कर सकते हैं। अब ये चार्जिंग मोड पे चला गया। गाइस मैं ढूंढ रहा था कि भाई इसका मैनुअल वगैरह कहाँ पे नीचे, बट यहाँ पे इन लोगों ने अच्छे से रख दिया है एकदम अलग से। एंड ड्रोन एक ऐसी चीज़ है भाई जिसका मैनुअल शायद से आपको बहुत नेसेसरी हो सकता है। चलो पहले ड्रोन की हम लोग करते हैं अनरैपिंग। ये ड्रोन दिखने में काफ़ी स्टाइलिश सा है, मेरे हाथ जितना बड़ा है। एंड अभी हम लोग इसको ओपन करके देखते हैं, ऐसे इसको ओपन कर सकते हैं हम लोग आराम से। पूरा ओपन होके ये इतना बड़ा दिखने लग गया अभी, एकदम भी बड़ा नहीं, एकदम भी छोटा नहीं, मीडियम इस पे आ जाता है ये। और यहाँ पे इसके नीचे ना ये थ्री एक्सिस गिम्बल है, ये भी काफ़ी बढ़िया। एक्चुअली ऐप आता है एक एंजॉय फ्लाइट 2 करके, उसको हम लोग पहले इंस्टॉल कर लेते हैं गाइस। और उन्होंने बताया कि ये ऐप और भी इम्प्रूव होने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि ये फर्स्ट है उनका ड्रोन। भाई खतरनाक सा, भाई दिखने में खतरनाक है, पहला ही एकदम बढ़िया है। इसके अंदर एक मेमोरी कार्ड भी जाता है, ताकि लाइक आप लोग जो चीज़ें हैं वो इस पर रिकॉर्ड कर लो डायरेक्टली। यहाँ पे राइट साइड से एक छोटा सा क्या बोलते हैं ऐसा होल है, यहाँ पे जाएगा ये बैटरी, ऐसे पीछे से जाएंगी उल्टी। आराम से भाई, आराम से चली गई और सिक्योर हो गए अभी। भाई अभी वेट बढ़ गया इसका। ये एक माइक्रो कैटेगरी में आता है ड्रोन। पहले मैं अपना फ़ोन यहाँ पर रख देता हूँ, इसको आराम से ऐसे लगा दिया एंड साइड से अभी केबल हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ऑन करने के लिए बटन है, इसको ऑन कर देते हैं। इस ड्रोन को भी हम लोग पीछे से चालू कर देते हैं। इसका जो कैमरा है वो है 4K 30fps का और 3-axis गिम्बल के साथ आता है एंड सोनी का सेंसर लगा है इसमें। रिमोट कंट्रोल पे ना यहाँ पे ये क्या बोलते हैं डायल है, जिससे हम लोग नीचे ऊपर भी कर सकते हैं कैमरा। अभी नीचे हो गया, अभी ऊपर हो गया। डायरेक्टली इसको उड़ा के ही देखते हैं क्योंकि उसमें ही मज़ा है असली वाला। 35 मिनट्स का इसका फ्लाइट टाइम है एक बैटरी के साथ, साथ में दो बैटरीज आती है, मतलब एक घंटे के ऊपर आराम से चल जाएगा। यहाँ पे ना इसका बटन आता है डायरेक्टली टेक ऑफ लैंडिंग करने के लिए, इसको हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं। दबा के रखना है मुझे सिर्फ एक दो सेकेंड्स के लिए। लैंडिंग के लिए भी हम लोग सेम बटन यूज कर सकते हैं। गाइस ये आराम से ऊपर होवर कर रहा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम ही स्टेडी ड्रोन है। एक्चुअली ये 800 मीटर तक ऊपर जा सकता है, बट हम लोग इसको 120 या 100 मीटर तक ही यूज़ करेंगे। ये वाले बटन से हम लोग ड्रोन को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये गोल गोल घुमाने के लिए है। इन स्पोर्ट्स मोड अभी ऑन है। इसमें एक रिटर्न टू होम का भी बटन आता है, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम लोग है ना खुद को ही नीचे देखते हैं। ये देखो हम दोनों यहाँ पे खड़े, हाथ हिलाया तो दिखेगा क्या? यप, ये देखो आराम से दिख रहा है आपको। और मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर ली है। ये देखो यहाँ पे रिजोल्यूशन दिख सकती है, 4K 30fps तक हम लोगों ने सेट की है।
एक्सपोजर वगैरह अभी के लिए मैंने डिफॉल्ट ही रखा है सब कुछ। इसमें काफ़ी सारे नए मोड्स आएंगे वो भी हम लोग देखेंगे। गाइस इसमें हम लोग 4x जूम भी कर सकते हैं, लाइक डिजिटल जूम का इसमें ऑप्शन आ जाता है। ये देखो फुल्ली जूम्ड है अभी अपना। अभी ना इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर लेके जाता हूँ बस चेकआउट करने के लिए कैसा दिखता है सब कुछ। यहाँ पे 100 मीटर की हाइट पे चलते आ जाओ। गाइस क्या हो गया ना, कनेक्शन लॉस हो गया था थोड़ा ज़्यादा ऊपर, मतलब एंटीना सही से नहीं रखा था, तो एज ऑटोमेटिकली ना जोन रिटर्न टू होम हो जाता कनेक्शन लूज होने पे। सबसे बेस्ट चीज़ लगी मुझे ये, कनेक्शन लॉस होने पे रिटर्न टू होम हो गया, ये काफ़ी बढ़िया बात हो गई है। अपने को एंटीना को सही से इसके ऊपर पॉइंट करना है तभी ये सही से चलेगा। इसमें ना स्पोर्ट्स मोड आता है ताकि हम लोग तेज़ी से इसको आगे पीछे लेके जाए। मैं इसको आगे लेके जाता हूँ थोड़ा सा नीचे। भाई काफी तेज ड्रोन है यार, मुझे लगा नहीं था लाइक काफी तेज भागा यह हवा। गाइस इसके हम लोग साइज देख रहे हैं अभी, काफी बड़ा लग रहा है और काफी कॉम्पैक्ट एट द सेम टाइम, दोनों चीजें लग रही है। मेरे हाथ से काफी बड़ा है देखो। गाइस कितनी हरियाली दिख रही है देखो अपने आसपास, मस्त यार जगह ही। ये देखो यहाँ पे कुछ ये है, पेड़ पौधे है, मस्त दिख रही है ये भी। थोड़ा सा और ऊपर चल के देखते हैं। ये देखो गाइस कैसे हम लोग ऊपर से शॉट दिख रहे हैं पूरा का पूरा, यार मतलब शहर टाइप अपने को शॉट दिख रहा है, एकदम ऊपर से सब चीजें दिख रही है यहाँ पे। गाइस इसमें एक रिटर्न टू होम का बटन आता है, वो दबा के हम लोग देखते हैं ये वापस आता है क्या। अभी ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हुए आएगा नीचे। ये देखो दोस्तों घर पे आ गया अपना ड्रोन वापस। साफ सफाई करने के लिए भी ऐसे काम में आ सकता है ड्रोन, लेकिन ये काफ़ी महंगा वाला झाड़ू हो जाएगा इसलिए मत करना ऐसा। कैसे हम लोग खुद का अभी फोटो निकाल के देख रहे हैं। गाइस अभी हम लोग इसका ये मोड ट्राई करते हैं रॉकेट वाला। ओके इसको नेक्स्ट कर देते हैं एंड ये अभी रॉकेट मोड में अपने को रिकॉर्ड करते हुए ऊपर जाएगा भाई। वो देखो ऊपर चला गया मस्त। गाइस अभी हम लोग इसके बाकी सारे भी मोड्स ट्राई करने वाले, 10+ मोड्स है इसमें शूटिंग मोड्स, तो अभी ये वाला करते हैं ड्रोनी वाला। ठीक है तो ये इसको थोड़ा सा ऊपर भेजते 20 मीटर, थोड़ा सा गिम्बल इसने नीचे लाने बोला है, ले लिया हम लोगों ने। अभी देखो क्या पीछे पीछे जा रहा है यार, शॉट तो काफ़ी बढ़िया आ रहा है। ये देखो यहाँ पे एक हेलिक्स मोड है भाई, ये भी मुझे ट्राई करना है। ठीक है खुद के अराउंड हीलिंग्स करते आ जाओ। वो देखो कैसे घूम रहा है यार, अपने अराउंड घूम रहा भी है। फॉलो मी करके भी मोड़े भाई, अपने को फॉलो कर सकता है। चलो तो हम लोग पहले नेक्स्ट है अपने पास सर्कल मोड भी, लाइक अपने 7 सर्कल मारे गई आ जाओ।
गाइस अपने पास टाइम लैप्स का भी ऑप्शन है शूट करने का, तो मैं कोशिश करता हूँ बस शूट करके 10 सेकंड का टाइम लैप्स है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा आगे जाता है ये, पैनोरामिक व्यू हम लोग ट्राई करते लेने का 180 डिग्री। सो ये एक जगह पे खड़े रह के कैप्चर कर रहा है साइड के जो सीन्स है वो, लाइक पैनोरामा आ जाएगा इसमें पूरा। गाइस ये वाला ड्रोन उड़ाने में काफी मजा आया एंड एकदम 4K में सही से वीडियोस आती है इसकी। और गाइस इसका है ना 1 ईयर वारंटी भी मिल रहा है, स्पेयर पार्ट्स वगैरह सब कुछ इंडिया में ही अवेलेबल है क्योंकि मेड इन इंडिया वाला ही ये ड्रोन है अपना। अगर आपको भी ये वाला वीडियो अच्छा लगा और ड्रोन भी पसंद आया, ड्रोन का तो लिंक मैं नीचे दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।